हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनु। मनु टेस्टी रेसिपीज में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला बैंगन फ्राई। आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो मेरे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल में 3 टीस्पून कर्ड ले लेंगे। कर्ड हम ज़्यादा पुराना नहीं लेंगे, ये मेरा घर का जमाया हुआ फ्रेश दही है। अब इसके अंदर हम 1 टीस्पून बेसन डाल देंगे। अब इसके अंदर थोड़े थोड़े सारे मसाले ऐड करेंगे। 1 पिंच हम इसमें रेड चिली डाल देंगे, 1 पिंच नमक डाल देंगे, 1 पिंच हल्दी और 1 पिंच गरम मसाला, और इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। और इन सारी चीज़ों को हम कर लेंगे मिक्स। और मिक्स करने के बाद इन पीसीस को हम इसे अच्छे से मिला के मैरिनेट कर लेंगे। अब एक एक पीस को हम इस मिक्सचर के अंदर मैरिनेट कर लेंगे। और ये जो मैरिनेट किए हुए पीसीज हैं, इनके अंदर बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा इन सारी इंग्रेडिएंट्स का। अब हम इन्हें एक अलग बाउल में निकाल लेंगे और सारे पीसीज को मैरिनेट करने के बाद हम 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे, ताकि हमारे ये जो ब्रिंजल हैं, ये जो बैंगन हैं, ये अच्छी तरीके से मैरिनेट हो जाएं और हमें फ्राई करने के समय कोई दिक्कत ना आए। ये देखिए सारे मैरिनेट भी हो चुके हैं। चलिए अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने लिया है एक नॉनस्टिक पैन और इसके अंदर डाले हैं 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल। अब हम इन सारे पीसीस को फ्राई करेंगे। देखिए हम शैलो फ्राई कर रहे हैं, हमें डीप फ्राई नहीं करना है। कम से कम ऑयल लगाएंगे हम लोग। और मैंने गैस का जो फ्लेम है वो पहले हाई किया था, ताकि सरसों का तेल जो है वो अच्छे से गर्म हो जाए। इसके बाद अब जब हम इनके अंदर इन पीसीस को डालेंगे तो हम गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे। अब हम दोनों साइड से इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मैरिनेट करने के कारण इनके बैंगन के पीसीस के अंदर बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है, जिससे हमारी सब्जी का टेस्ट दुगना हो जाता है। अब हम 4-5 सेकंड के लिए इन्हें ढक देते हैं। ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो गए हैं और अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। मेरे ये बैंगन ज़्यादा हैं, इसलिए मैं इन्हें 2 बैचेस में फ्राई करूँगी। और अगर आपके पास बड़ा बर्तन है तो आप एक ही बार में कर सकते हैं। गैस की फ्लेम को आप मीडियम ही रखिए, वरना ये सारे पीसेस ऊपर से जल सकते हैं और फिर हमें सब्जी में वो टेस्ट नहीं आएगा जो हमें चाहिए। तो गाइस, ये देखिए फ्राई हो चुके हैं और अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं और हम अपना सेकंड बैच डालेंगे फ्राई करने के लिए। देखिए सारे पीसेस कितने अच्छे तरह से फ्राई हो गए हैं। अब हम अपना बैंगन का सेकेंड बैच फ्राई करने के लिए पैन में डालेंगे। देखिए हमारे सारे बैंगन फ्राई हो चुके हैं। अब हम मसाला बनाने के लिए एक पैन में ऑयल डालेंगे। हमारा पहले का ऑयल भी बचा हुआ था, इसलिए हमें और डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। इसके अंदर हम लहसुन, ग्रीन चिल्ली और जीरा डाल दिया है हमने। अब इसके अंदर हम डालेंगे अनियंस। हमने अनियंस को ना तो चॉप किया है और ना ही हमने इसे ग्राइंड किया है, हमने किया है अनियंस को ग्रेट। जी हाँ, कद्दूकस। इससे हमारे जो मसाले की कंसिस्टेंसी है वो बहुत ही अच्छी बनेगी, जैसी हमें चाहिए हमारी रेसिपी के लिए। तो आप अपने हिसाब से चॉप भी कर सकते हैं, ग्राइंड भी कर सकते हैं। अनियन गोल्डन ब्राउन हो जाने के बाद अब हम इनके अंदर मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम लोग 1/2 टीस्पून रेड चिली डाल रहे हैं। ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है, इससे हमारे मसाले में बहुत ही अच्छा कलर आने वाला है, जिससे इसकी लुक भी बहुत अच्छी बनेगी और टेस्ट तो बनेगा ही। तो इसके बाद हम इसके में अंदर डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून हम लोग इसमें गरम मसाला ऐड करने वाले हैं और 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे धनिया पाउडर। तो अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम लोग डालेंगे टमाटर। टमाटर को भी मैंने ग्रेट ही किया है, जी हाँ कद्दूकस ही किया है। आप अपने हिसाब से टमाटर को काट के भी डाल सकते हैं, ग्राइंड भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है।
अब नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा, इसके अंदर थोड़ा सा हम लोग ना पानी ऐड करेंगे, क्योंकि हमारा मसाला काफ़ी ड्राई हो रहा है, तो इसे अच्छे से पकने के लिए हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा पानी। अब पानी डालने के बाद हम लोग फ्लेम को कर देंगे हाई और इसे ढक कर 3-4 मिनट के लिए हम लोग रख देंगे। ये देखिए हमारा मसाला काफ़ी अच्छे तरीके से पक चुका है। अब इसके बाद हम लोग इसमें एक ऐसा इंग्रेडिएंट डालेंगे जिसकी वजह से इसका टेस्ट दुगना हो जाएगा। जी हाँ, अब इस नेक्स्ट स्टेप में हम इसके अंदर डालने वाले हैं कर्ड। कर्ड को हम लोग अच्छे से फेंट लेंगे। मैंने 2 टेबलस्पून कर्ड इसमें डाला है। ये भी कर्ड खट्टा नहीं होना चाहिए। अब हम कर लेंगे इसे अच्छे से मिक्स और इसे ढक कर 1-2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर और पका लेंगे। अब देखिए 2 मिनट के बाद हमने इसे चेक किया है। वाओ, कितना अच्छा मसाला बना है। आपने एक बार नोट की होगी कि मैंने अब तक इसमें नमक नहीं ऐड किया है। वो इस वजह से नहीं किया क्योंकि अगर हम लोग नमक पहले डाल देते हैं तो हमारा जो हमने कर्ड डाला है वो फटने का डर रहता है, तो इसी वजह से नमक हमने अब तक नहीं ऐड किया है। अब इसके अंदर डाला है हमने थोड़ा सा और पानी। अब पानी अच्छे से इस ग्रेवी को और थोड़ी सी इसकी कंसिस्टेंसी और पतली हो जाएगी और 1 मिनट हम इसको और ढककर पका लेंगे। ये देखिए मसाले ने सारा ऑयल छोड़ दिया है। अब इस स्टेज के ऊपर अब हम इसके अंदर डालेंगे नमक। मैंने इसमें 1/2 टीस्पून नमक ऐड किया है। आप नमक अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके अंदर हमने जो बैंगन फ्राई किए हैं वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये बैंगन के पीसेस हम इसके अंदर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो गाइस, मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कैसी लगी। अब हम इसे ढककर 1 मिनट के लिए और पका लेंगे ताकि इन बैंगन के अंदर सारा मसाले के फ्लेवर्स अच्छे से चले जाएं। ये देखिए वाओ, क्या कलर आया है ना सब्जी का। तो गाइस, ये है हमारे मसाला बैंगन फ्राई। आप इस रेसिपी को फ्रेश क्रीम या मलाई डालकर भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इन्हें एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।